हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपके लिए लेके आए एक बहुत ही अच्छी वीडियो जो कि है बाइनरी टू ऑक्टल नंबर। जी, हम एक बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करें। दोस्तों, आपने यूट्यूब पे मेरी भी और भी लोगों की बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, लेकिन इस वीडियो में जो खास होने वाला है ना वो ये है कि एक बाइनरी नंबर है लेकिन डॉट के साथ है। यहाँ पर जो है ना वो डॉट है, पॉइंट है। तो दोस्तों, इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना वो आपको इजी ढूंढने से नहीं मिलेंगे। अगर आपको मिले भी तो प्रॉब्लम आती है जी, आप आंसर को वेरीफाई कैसे करें जी, आंसर राइट आया है रॉन्ग आया है। तो आज इस वीडियो में दोस्तों हम आपको दोनों चीज़ें दिखाने वाले हैं जी। इस टाइप के क्वेश्चन को आप सबसे ईजी वे से कैसे जो है ना वो सॉल्व कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं ऑक्टल में, और उसके बाद आप उसके आंसर को किस टाइप से वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, लेके चलता हूँ मैं आपको अपने नोट पैड पर जहाँ पर मैंने दोनों नंबर को टाइप किया हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग चलते हैं अपने YouTube पर। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सर्च नहीं किया तो आप यहाँ पर रोहित सानू लिखें और यहाँ पर आप सर्च करें तो आपको दिखेगा सबसे ऊपर हमारा YouTube चैनल रोहित सानू नेटवर्किंग वीडियो। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो के आप हमेशा टच में बने रहें और अपनी नॉलेज को इनक्रीज करते रहें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो जैसे कि दोस्तों हमने आपको बताया है कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम है जिसके अंदर 0 से 1 तक के डिजिट होती हैं और इसका जो बेस है वो 2 होता है। हमें इसे कन्वर्ट करना है 8 में। तो दोस्तों, हम लोग जो ना यहाँ पर एक फार्मूले का यूज़ करते हैं और वो फार्मूला हमारा जो है वो है हमारे पास 4 प्लस 2 प्लस 1। दोस्तों, अगर हम इसे आपस में सम करेंगे तो 4 प्लस 2 6 और 1 हमारे हो जाता है 7। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों जो हमारा ऑक्टल है इसका जो बेस है वो 8 है और यहाँ पर 0 से लेकर 7 तक की डिजिट होती हैं, इसलिए यहाँ पर जो है ना वो हमने इसका बेस 7 रखा है, ये फॉर्मूले का यूज किया है। तो यहाँ पर दोस्तों कितने जो हैं हमारे डिजिट्स हैं, 1 2 3। तो हमें करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो है वो 3 3 के पेयर बनाने हैं। तो दोस्तों पहले जो है ना वो डॉट से जो हमारा ये डॉट है, डॉट से पहले जो है वो लेफ्ट वाला जो पोर्शन है हम उसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से दोस्तों राइट हैंड साइड से हम 3 3 का पेयर बना लेंगे। हमने यहाँ पे 3 का पेयर बनाया तो यहाँ पर हम जो है ना जैसे 1 है तो इसको 4 के नीचे लिखेंगे, फिर जो उसके बाद 0 है उसको यहाँ पर लिखेंगे, फिर जो 0 है उसको यहाँ पर लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जो है जिसके नीचे 1 1 है हम उसे आपस में सम कर देंगे, या ओनली जैसे 4 के नीचे 1 है तो इसका जो आंसर है वो आपका 4 आ जाएगा। उसके बाद जो दोस्तों करना क्या है जी, यहाँ पर फिर से हमने 3 का पेयर बनाना है, लेकिन आप देख रहे हैं जी यहाँ पर ओनली 2 ही डिजिट्स हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो एक डिजिट्स कम है तो हम यहाँ पर आगे जो है वो 0 को ऐड कर सकते हैं। ये भी एक फार्मूला है, इसमें आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। और यहाँ पर हमारा एक 3 का जो पेयर है वो कम्प्लीट हो गया। तो आप देखेंगे पहले हमारे पास 0 है, फिर हमारे पास 1 है 1 है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे 2 के नीचे 1 है, 1 के नीचे 1 है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा दोस्तों, सम हो जाएगा। तो 3, ये 2 और 1 कितना हो गया हमारा 3। तो हम देखेंगे दोस्तों इस पेयर का जो आंसर है वो आया है 3 और इस पेयर का जो आंसर है वो आया था हमारे पास 4। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो हमने लिख लिया यहाँ पर 3 और 4। उसके बाद जो है दोस्तों हमने यहाँ पर एक डॉट लगा दिया क्योंकि इसके बाद यहाँ पर एक डॉट था ये वाला। अब दोस्तों डॉट से जो है वो हमने ये पोर्शन जो राइट वाला पोर्शन है इसको जो है वो हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर दोस्तों देखो 2 ही डिजिट्स हैं जबकि हमें 4 डिजिट्स चाहिए होती हैं। तो दोस्तों इसमें जो समझने वाली बात है ना वो ये है कि जो ये वाला पोर्शन है डॉट से जो लेफ्ट वाला पोर्शन है, अगर यहाँ पर 0 कम पड़ते हैं या कोई डिजिट्स कम पड़ती है तो हम सबसे आगे की तरफ लगाते हैं, लेकिन अगर डॉट से जो बाद वाला पोर्शन है उसमें कोई भी डिजिट्स हमें कम पड़ती है तो हम 0 को जो है ना पीछे की साइड में ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पीछे की साइड में 2 0 नहीं, हमें 1 ही 0 चाहिए, हमने 1 0 को यहाँ पर ऐड कर लिया है। तो ये हमारा एक 3 का पेयर बन गया है। तो यहाँ पर हमने लिखा है 1 1 0। तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर जी 4 और 2 के नीचे 1 1 है तो यहाँ पर हमारा आ गया है 6। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर आएगा वो हमारा आएगा 6 और ये हमारा जो है वो अब ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया है, इसका जो आंसर है वो 6 है। अब दोस्तों ये आंसर राइट है या रॉन्ग है, 3 4.6 जो है ये हम वेरीफाई करेंगे। तो हर एक विंडोज में कैलकुलेटर होता है तो हम यहाँ पे कैलकुलेटर को सर्च करेंगे। हमने कैलकुलेटर को सर्च किया, इसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पर आप जाके इसे प्रोग्रामर पर सेट कर सकते हैं, इस टाइप का आपका आएगा। तो हमारा जो नंबर है वो बाइनरी है, हम बाइनरी को सेलेक्ट करेंगे और आप देखेंगे जी यहाँ पर जो है हमने लिखा 1 1 1 जो हमारा बाइनरी नंबर है, फिर हमने लिखा 0 0
और देखो दोस्तों, जैसे यहाँ पे हम डॉट दबा रहे हैं तो डॉट नहीं आ रहा है, क्योंकि दोस्तों ये बेसिक कैलकुलेटर होते हैं जो विंडोज़ के होते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आप इनसे जो है ना वेरीफाई नहीं कर सकते। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा कि जो आपका इंटरनेट है, आपको इंटरनेट पे जाना होगा, और यहाँ पर मैंने एक बुक मार्क बनाया हुआ है, और इस जो है वेबसाइट का नाम है रैपिड टेबल्स, और आपको जो है रैपिड टेबल्स डॉट कॉम पर जाके, और ये जो मैंने यहाँ पर दिया हुआ है ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कैलकुलेटर है बेस कन्वर्टर का, यहाँ से आप जो है इसका यूज करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इसका यूज़ करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ जी हमारा जो नंबर है वो, हमारा नंबर क्या है यहाँ पर, तो हमारा नंबर है 1110.11, ये हमारा नंबर है, और ये हमारा जो नंबर है वो बाइनरी का है, और दोस्तों हमें जो इसे कन्वर्ट करना है वो हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो दोस्तों हम यहाँ से इसे कन्वर्ट कर देंगे, और देखिए दोस्तों हमारा जो आंसर आया है वो आया है 34.6। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जी यहाँ पर जो हमारा आंसर है, हमारा जो आंसर है वो कितना है 34.6। तो आप देख सकते हैं जी भाई हमारा जो आंसर है वो, हमारा आंसर कितना है, तो 34.6। तो दोस्तों हमारा जो यहाँ पर आंसर आता हुआ वो बिल्कुल हमारे पास यहाँ पर हमारा जो है वो राइट आंसर आता हुआ आप देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसे छोटा करता हूँ, आप देख सकते हैं, ये देखिए 34.6 यहाँ पर हमारा आंसर आ गया है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है वो आप अपने डॉट वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और उसके आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। दोस्तों ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये मैंने आपके लिए दिया है, आप इसको जो है ना वो सॉल्व करें और मेरे को कमेंट में आंसर बताएं, चेक करके वेरीफाई करके, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी कमेंट में आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।